कोरबा जिले में कई विभागों की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। इसे ठीक करने के लिए न तो काम हो रहा है और न ही इनकी मानसिकता बनाई जा रही है। खनिज विभाग का कामकाज भी कुछ इसी अंदाज में जारी है। सेमीपाली और सराई सिंगार खनिज बैरियर में अवैध वसूली धड़ल्ले से चल रही है और इसी की आड़ में ओवरलोड वाहन यहाँ से पार हो रहे हैं। खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच के लिए खनिज विभाग के द्वारा कोरबा जिले में 4 स्थान पर खनिज बैरियर स्थापित किए गए हैं। इनमें से 2 की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। विभाग के अधिकारियों को इस बारे में भली भांति जानकारी है, फिर भी अव्यवस्था को दूर करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सेमीपाली और सरई सिंगार खनिज बैरियर में वाहनों की पर्ची में सील लगाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोयला और राखड़ का परिवहन करने वाले वाहनों से बैरियर के कर्मचारी 20 रुपए का नजराना वसूल कर रहे हैं। इस तरह का कोई नियम नहीं है, लेकिन कर्मी इस काम को बखूबी अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इनमें से सेमीपाली का खनिज बैरियर उर्गा पुलिस थाना के बिल्कुल सामने है, जहां पर बैकऑफ तरीके से अवैध काम को किया जा रहा है। यही हाल हरदी बाजार के सरई सिंगार स्थित खनिज जांच नाका का है। अच्छा, आप ही से ले रहे हैं कि सभी से लेते हैं? सभी से लेते हैं। अच्छा, 500 दिए, कितना वापस किया आपको? 440 रुपया और दीजिए। बताया जाता है कि बहुत लंबे समय से ये दोनों जांच बैरियर औपचारिक बनकर रह गए हैं, क्योंकि वाहनों में लोड खनिज की मात्रा का मूल्यांकन करने वाला वेब्रिज तकनीकी कारणों से खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत ही आसान तरीके से ओवरलोड वाहन यहां से प्रतिदिन पार हो रहे हैं और इस कोशिश में परिवहनकर्ताओं की मौज हो रही है, जबकि कोयला उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को चपत लग रही है। इसके ठीक उल्टे बैरियर के कर्मचारियों के द्वारा अवैध उगाही करते हुए ओवरलोडिंग जैसे गलत कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पूरे मामले में यह बात समझ नहीं आती है कि जो खनिज विभाग प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कई हजार करोड़ रुपए का राजस्व उपलब्ध करा रहा है, वह आखिर अपने खराब पड़े संसाधनों को ठीक कराने में असमर्थ क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, कोरबा।